How are you all? I hope that you all are fine. Okay, so your teacher is again here with some new pictures. Miss तो आपके लिए बड़ी मज़े मज़े की pictures लाती है ना हर बार. तो आज भी Miss कुछ pictures लाई हैं. Do you want to see what I have? So let's start with our first picture. This is bulb. Bulb. क्या आपने bulb कहीं देखा है? मैंने तो देखा है, अपने रूम में भी देखा है बल्ब को. आई सॉ इट इन आवर लाउंज. मैंने अपने लाउंज में भी देखा है और ये किचन में भी होता है इन सम डिफरेंट लाइट. समटाइम इट इज़ इन वाइट एंड समटाइम्स इट इज़ इन येलो. तो इसका मतलब है ये तो आपने देखा ही होगा. सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट पिक्चर. दिस इज बोल. बोल. Yes, ये भी हमारे होम में होता है. We eat noodles in it and sometimes we eat custard in it. हम custard भी खाते हैं ना, इसमें sweet dishes भी खाते हैं bowl में. और सबके घर में होते हैं ये प्यारे प्यारे से bowls. Now look at the next picture. What I have? Banana. Banana. ये तो fruit है. इट इज़ इन येलो कलर. येलो कलर में होता है ना ये. और मिस को तो ये बहुत ही पसंद है. बहुत स्वीट टेस्ट होता है इसका तो भाई. क्या आपको बनाना खाना पसंद है? इसका तो शेक भी मिलता है. हम शेक भी पीते हैं समटाइम्स इसका. ओके, सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट पिक्चर. दिस इज़ अ बोन. बोन. ये तो बोन है और ये तो डॉग खाता है. जब हम कभी कभार बिरयानी या कुछ चिकन का सालन खाते हैं तो उसमें बोन होती है ना. और फिर हम बोन खाने के बाद उस बोन को हम डॉग को दे देते हैं. और समटाइम इट ईट कैट. कैट भी खाती है इसे. ठीक है. सो वी हैव सॉ सम पिक्चर्स. बल्ब. बोल. बनाना. बोन. एंड आई हियर्ड सम बिगनिंग साउंड. मैंने इन पिक्चर्स के स्टार्टिंग की बिगनिंग साउंड भी सुनी है. क्या आपने सुनी? सो द बिगनिंग साउंड ऑफ ऑल दीज पिक्चर्स इज ब. ब. और हियर इज अ पिक्चर ऑफ ब. लेट्स रीड आफ्टर मी. ब. B. Very good. Now tell me, do you want to do friendship with B? क्या आपने B से friendship करनी है? मेरा तो बहुत दिल कर रहा है B से friendship करने का. So all of you, my students, do like this. Do, हम किससे friendship करते हैं? Two fingers से friendship करते हैं. ठीक है. Now do the friendship with me. B is down and down. Go up and then turn around. Very good. Now do the tracing again with me. B is come down and down. Go up, then turn around. Very good. हमने क्या किया? हमने B से friendship कर ली है. And here is the picture of B. Now अब हम क्या करेंगे? ब को पिक्चर्स के साथ भी देख लेना. उसके कुछ फ्रेंड्स और भी तो हैं. सो लेट्स रीड विद मी. ब बल्ब. ब बल्ब. ब बोल. ब बोल. ब बनाना. ब बनाना. ब बोन. ब बोन. वेरी गुड. एक्सीलेंट. मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है आपके साथ ये करने में. नाउ व्हाट यू हैव टू डू ऑल ऑफ यू, ओपन योर वर्ड बुक पेज नंबर 17. एंड ऑन पेज नंबर 17 वी हैव द सेम थिंग ओवर हियर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द आइकन्स विद मी. द फर्स्ट वन इज रीड. सेकेंड वन इज ट्रेस. And the last one is color. So write down the date first.
So write date over here. Now let's start the worksheet. So we have to do the three things over here. पहले हम दोबारा से रीड कर लेते हैं एक बार, ठीक है? ब बल्ब, ब बोल, ब बनाना, ब बोन. Very good. Now what you have to do? You have to trace the hollow b with the help of crayon. और आपने बहुत सफाई से इस b में ट्रेसिंग करनी है, ठीक है बच्चों? And then what you have to do? You have to color on these pictures. ठीक है? So जब आप काम अपना कंप्लीट कर लीजिएंगे तो आपने क्या करना है, वर्कबुक को बंद करके अपने बैग में रख लेना है. ठीक है, आज तो मिस को बहुत मज़ा आया है आप लोगों के साथ, और फिर मिस नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यू लाएंगी फिर से. ठीक है, अल्लाह हाफिज़.